वेलकम बैक दोस्तों, कार बाजार के एक और नई वीडियो में सभी का फिर से स्वागत है। आज आप सभी के लिए 2014 की मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर लेके आ चुका हूँ, जो कि सिल्वर कलर में गाड़ी रहने वाली है और गाड़ी पेट्रोल वेरिएंट है, बर्गर रजिस्टर्ड है, सेकेंड ओनर में गाड़ी रहने वाली है और 1,20,000 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है। गाड़ी OD17 बर्गर रजिस्टर्ड है, HSRP प्लेट भी गाड़ी में इंस्टॉल्ड है। इस टाइप का आपको चाबी मिलता है गाड़ी के साथ, जो कि डिजायर का की है। बाकी कंडीशन देखेंगे तो बहुत अच्छा है गाड़ी का, सिल्वर कलर में गाड़ी है और कहीं पे भी कोई भी पैनल में आपको स्क्रैच डेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो एकदम माइनर सा स्क्रैच, ये भी हम आपको बिल्कुल बढ़िया से टचअप करवा के देंगे। बाकी पीछे से भी कंडीशन आप देख सकते हैं, एकदम ही नीट एंड क्लीन है ये गाड़ी का। लेफ्ट से भी अगर प्रोफाइल देखेंगे तो एकदम अच्छे कंडीशन में है, टायर्स भी अच्छे कंडीशन में गाड़ी के सारे। हेडलाइट जो थोड़ा थोड़ा एकदम येलो हो चुका है, तो इसको बढ़िया से एक बार पॉलिश करवा लेंगे तो ये भी काफ़ी क्लीन हो जाएगा। बाकी अब आपको एक बार बूट भी खोल के दिखाता हूँ मैं, इस गाड़ी का कैसा स्पेस मिलता है आपको। तो यहाँ से बूट स्पेस भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको। अब अंदर से चेक करते हैं इस गाड़ी का टोटल कैसा कंडीशन है। तो अंदर काफ़ी अच्छा मारुति का जेन्युइन सीट कवर इस गाड़ी पर लगा हुआ है, नीचे मैट्स भी लगे हुए हैं, पीछे वालों के लिए आर्म रेस्ट भी है, चारों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। पूरा बेज इंटीरियर रहता है इस गाड़ी का और थोड़ा थोड़ा ब्लैकआउट रहता है उसमें। बाकी एकदम छोटा मोटा वुडन ट्रिम्स का भी इस गाड़ी में काम किया जाता है कंपनी की तरफ से, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वुडन स्ट्रिप्स सब तरफ आगे की तरफ से। बाकी एक बार मीटर भी आपको मैं चालू करके दिखा देता हूँ इस गाड़ी का। ये गाड़ी 1,20,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि जेन्युइन है, सेकेंड ओनर में गाड़ी है, 2014 रजिस्टर्ड। फीचर्स आपको गाड़ी में मिल जाते हैं, पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडोज, मिरर का एडजस्टमेंट, लॉक अनलॉक, सेंट्रल लॉकिंग, उसके बाद 5-स्पीड गियरबॉक्स है 1200cc का और म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी फिटेड आता है आपको 4 स्पीकर के साथ। बाकी इसमें ब्लूटूथ नहीं है, आप USB पोर्ट में डोंगल लगा के इसे ब्लूटूथ एनेबल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली और छोटे से पैसे में हो जाता है। बाकी यही सब कुछ डिटेल है। अब इस गाड़ी का फिर से एक बार डिटेल बताता हूँ प्राइस के साथ। ये गाड़ी है 2014 रजिस्टर्ड, सेकंड ओनर है, पेट्रोल 1,20,000 चला हुआ और गाड़ी का जो हमने आस्किंग प्राइस रखा हुआ है 3,79,000, जो कि अगेन ऑन टेबल नेगोशिएबल रहेगा। तो अब चलते हैं इसके छोटा सा टेस्ट ड्राइव में और देखते हैं गाड़ी चलने में कैसा है। माइलेज की अगर बात करूँ इस डिज़ायर में, तो इस डिज़ायर में आपको माइलेज मिल जाएगा अराउंड 18 से 19 या फिर 20 तक का भी मिल जाएगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन है 1200cc का, फिर भी काफ़ी अच्छा माइलेज रहता है, बहुत स्मूथ रहता है गाड़ी, इंजन बहुत रिलायबल है इस गाड़ी का और पार्ट्स जो है इस गाड़ी के बहुत ही सस्ते रहते हैं और इजीली कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं, तो उस वजह से आपको इस गाड़ी को मेंटेन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आता है कभी भी। बाकी अगर इस गाड़ी पर आपको लोन चाहिए तो सिर्फ आप 80,000 रुपये तक का डाउन पेमेंट दीजिए, बाकी मैं 3,00,000 रुपये तक का इस गाड़ी के ऊपर आपको लोन करवा के दे सकता हूँ, क्योंकि 2014 मॉडल डिजायर है और स्विफ्ट डिजायर का वैल्यूएशन बहुत अच्छा आता है, तो इस वजह से इस गाड़ी पर लोन भी काफ़ी अच्छा अमाउंट हो सकता है। तो ये गाड़ी का कॉस्ट 3,80,000 और अप टू 80,000 आप अगर देना चाहते हैं तो मिनिमम इस गाड़ी पर डाउन पेमेंट दे के इस गाड़ी को घर ले जा सकते हैं। बाकी यहाँ से टर्न करते हुए एक बार हैवी पिकअप भी चेक करते हैं इस गाड़ी का। बाकी अलाइनमेंट का थोड़ा सा गड़बड़ है गाड़ी में, थोड़ा सा चक्का हिल रहा है इस गाड़ी का, उसको भी अच्छे से चेक करा लेंगे। एसी ब्लोअर से थोड़ा साउंड आ रहा है उधर से, उसको भी हम फिक्स करवाएंगे। बाकी पिकअप चेक करते हैं पहले। पिकअप तो सही है गाड़ी का बिल्कुल। तो दोस्तों, इस गाड़ी को देखने के लिए या फिर टेस्ट ड्राइव करने के लिए आप कार बाजार बरगढ़ विजिट कर सकते हैं और अगर आपको गाड़ी अच्छा लगा तो आप इसका डील भी फाइनल कर सकते हैं। तो
मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे बहुत ही जल्दी एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।